फ्रेंड्स, आपके अपने बी पॉजिटिव चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पे आपको महिलाओं संबंधित बेहद महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेंगी और मैंने अभी रिसेंटली ही शेयर भी करी हैं। जीरो से लेकर के नाइन्थ मंथ तक की जर्नी प्रेग्नेंट महिलाएं कैसे रखें जिससे कि उनका बेबी नॉर्मल डिलीवरी से हो सके, तो ये मैंने सारी स्टेप बाय स्टेप सीरीज शेयर करी हैं। मैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्यों कहती हूँ, सबसे पहले आपका पैसा भी बचता है और दूसरी बात है कि अगर माँ स्वस्थ जल्दी होगी तो वो अपने बच्चे और अपने घर को सही तरीके से संभाल पाएगी। डिलीवरी के बाद महिलाएं अपना ख्याल कैसे रखें, एक महीने की जर्नी उनकी कैसी होनी चाहिए ताकि वो अब बिल्कुल सही तरीके से स्वस्थ हो सकें, तो वो भी मैं वीडियो शेयर कर चुकी है जिसका लिंक भी आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो जो भी इन वीडियोस को देखना चाहते हैं ज़रूर से देखें और इनसे फ़ायदा लें। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि डिलीवरी के बाद हमारे घर में एक नाजुक सा नन्ना मन्ना बच्चा आता है, उसकी मसाज कैसे करी जाए ताकि वो हेल्दी और जल्दी से ग्रो हो पाए। तो आज जो मैं आपको तरीका बताऊंगी ये ट्रेडिशनल तरीका है, बहुत ही पुराने ज़माने से जो दाइयाँ हुआ करती थी वो इस तरीके से मसाज करती थी। इस वीडियो को अगर आप सही तरीके से सुनोगे, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप इस वीडियो को सही तरीके से सुनोगे तो आपको इसमें जानने को मिलेगा कि जो लड़कियाँ होती हैं अगर आपके घर में बेबी गर्ल है तो उसकी मसाज कैसे करनी है और अगर बेबी बॉय है तो उसकी मसाज कैसे करनी है। तो यहाँ पर दोनों ही तरीके बताए गए हैं, तो आप इस वीडियो से हेल्प ले सकते हैं और आपके जो भी मेहमान हैं नन्ना मुन्ना उसकी आप इस तरीके से मसाज करके उसे जल्दी से हेल्दी और ग्रो करवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आप देखिए और ध्यान से देखिए, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना भूलिएगा नहीं। और जो भी न्यू मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा ताकि ऐसी ही मैं और भी महिलाओं से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तो उनका आप फायदा ले सकें। तो चलिए वीडियो को देखिए। अच्छा जी, अच्छा। नाम भगवान जी, नाम ये देखो अच्छे करनी है जी माँ कर दी मैंने इसको, माँ अच्छे तो खाने के लिए कर रही हूँ मैं, मस्त भी इसको कर दी मैंने, ऐसे करनी है। ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा बॉय महाराज, बिल्कुल स्ट्रांग होएगा, मस कर करके होता है बच्चा, अगर मस अच्छी तरह से होगी तो बच्चा स्ट्रांग होगा, वो ठीक भी रहेगा, ऐसे होता है। कहाँ को चल रहा हुआ देखो तो सही ऐसे करनी, अब मैंने तो कर दी है इसको मास्क, मैं ऐसे बता रही हूँ, ऐसे बड़ी देर थोड़ी देर तक करते रहना चाहिए टुंडू में, बाथरूम में भी, और ये देखो ऐसे पोते में भी ऐसे पानी जब इसको नहाते हैं तो देते खत में, अब है नहीं दूध तो दूध इसका नहाते बार दूधते हैं तो बास पड़ती है काशों में। आंटी ठीक है, आंटी यूट्यूबर बन जाएगी, ऐसे होते हैं आंटी। फिर टांगों की करना चाहिए, ऐसे छाती ढक देना चाहिए बच्चों को, कहीं ठंड ठुंड ना लग गए, ऐसे 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 पकड़ लीजिए, ऐसे 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 करने हैं जी। यहाँ पर खूब लाना जी तेल, यहाँ पर गिच्चू ना बच जाए, ऐसे 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 ये देखो ऐसे ऐसे जी जो ऐसे 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 मालस नहीं हुई वो टांगों में तो फेंगले बन जाते हैं बच्चे, ढंग से मालस नहीं हुए फेंगले हो जाते हैं बच्चे, ये देखो जी अच्छे करते माँच हाँ हदिया ठीक हो जाएगी, ताकत हो जाएगी वे बच्चे के हदियों में, दे माँच अब चलो आगे को कोई जाना, अच्छा बेटा हो
तो वो ऐसे करने से माल सुपर को ऐसे बेटी हो तो नीचे को ऐसे बेटी हो तो ऐसे करने नीचे को ऐसे 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 बेटा हो तो ऐसे 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 मांस करेगा ठीक ढंग से सारा कुछ तो बच्चा रोज रोज तगड़ा होगा ठीक बोल देगा ठीक बोलेगा रोटी हजम पत्थर भी हजम हो जाते हैं समझे हाँ पत्थर भी हजम हाँ पत्थर भी हजम नोज ए नोज हो गई मालस बस अब कपड़े पहनाने जी ये लो भाई। देखा फ्रेंड्स किस तरीके से ट्रेडिशनल तरीका है ये बच्चों को मसाज करने का, तो आप भी इस वीडियो से फायदा ले सकते हैं और अपने बच्चों को इस तरीके से मसाज करके जल्दी से हेल्दी और ग्रो कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों को नहलाने का ट्रेडिशनल तरीका क्या था या किस तरीके से ट्रेडिशनल तरीके से बच्चों को नहलाया जाता था। आजकल के टाइम में क्या होता है कि बाथ टब में लेटा करके बच्चों को नहला देते हैं बट उससे उतना बेनिफिट नहीं होता है, ये मैं आपको बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका बताने वाली हूँ। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और जो भी महिलाएं हैं और इस तरीके की जानकारी अपने इर्द गिर्द किसी के साथ शेयर करना चाहती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।